Okay, so good morning. As we are discussing the pattern allowances, और आई थिंक ये चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है पैटर्न अलाउंसेस का, अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना. बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें. देखिए सेकिंग अलाउंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी आपका पैटर्न होता है देन व्हाट वी डू वेन एवर वी आर इजेक्टिंग अवर पैटर्न फ्रॉम द सेंड से आप जैसे ही पैटर्न को बाहर निकालते हैं तो आप क्या करते हो उस पैटर्न को थोड़ा सा हिलाते हैं, है ना. मैंने वीडियो जो देखी थी आपने, उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये देखो पैटर्न को सेंड से निकालने से पहले उसको थोड़ा सा हिला रहे हैं तो क्या होगा कि जो कैविटी बनेगी उस कैविटी का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा. तो जो साइज इंक्रीज हुआ है, अगर आपने क्या किया, अगर आपने इंक्रीज साइज का प्रोडक्ट बनाया तो होगा क्या, उसमें जो मेटल होगा वो मेटल ज्यादा लगेगा. प्रोडक्ट बनाने में जो मेटल होगा वो ज्यादा मेटल लगेगा. माइक ऑफ कर लो भाई जिसकी आवाज आ रही है. जो पैटर्न होगा, सॉरी, जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे कास्टिंग से, अब अगर पैटर्न आपने उसको शेक करके निकाला है, हिला करके निकाला है, तो होगी क्या प्रॉब्लम कि जो कैविटी बनेगी उस पैटर्न उस सैंड के अंदर, उस कैविटी का साइज बढ़ जाएगा. और जब कैविटी का साइज बढ़ जाएगा तो आप मोल्टन मेटल जो कोर करोगे वो ज्यादा मोल्टन मेटल लगेगा. ठीक है, वो मेटल मोल्टन मेटल कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा. अब होगा क्या कि जब आप प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे तो भाई मार्केट में तो वही प्रोडक्ट सेल होगा जिस रिक्वायर्ड साइज का आपको प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना, वही तो सेल होगा कि उससे ज्यादा साइज का बनाएंगे, नहीं सेल कर सकते. अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर उसको मीडियम साइज आता है टी शर्ट का, एक नॉर्मल पर्सन जिसको मैंने आपसे बोला कि भाई मीडियम साइज टी शर्ट का उसको आता है, तो क्या वो लार्ज साइज की टी शर्ट खरीदेगा मार्केट से? नहीं खरीदेगा. इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने जाओगे उसका साइज बड़ा होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या आप अगर उसको रिक्वायर्ड साइज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मशीनिंग करेंगे उसकी, और मशीनिंग में मेटल जो होगा वो वेस्ट ज्यादा हो जाएगा. तो उस वेस्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, शेक करने की वजह से जो पैटर्न की, सॉरी, शेक करने की वजह से जो कैविटी बनेगी सैंड के अंदर, जो गड्ढा बनेगा सैंड के अंदर, जो खांचा बनेगा, ग्रुप बनेगा, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, जितना साइज बढ़ जाता है शेक करने के बाद, पैटर्न को निकालने के बाद, उतना साइज हम पैटर्न पर कम कर देते हैं. ठीक है, क्यों, टू कंपनसेट एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैविटी और साइज ऑफ मोल्ड वेन एवर वी आर इजेक्टिंग द पैटर्न आफ्टर शेकिंग इट. पैटर्न को शेक करने के बाद जब हम उसको बाहर निकालते हैं सैंड से तो कैविटी का साइज बढ़ जाता है. उस साइज को कंपनसेट करने के लिए हम पैटर्न का जो पैटर्न की जो डायमेंशन है उतनी ही कम कर देते हैं. ओके, तो दिस अलाउंस द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पैटर्न साइज एंड दैट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इन दिस केस इज कॉल्ड शेकिंग अलाउंस. दैट विल कंपनसेट द इंक्रीज इन the size of cavity when the pattern is ejected out from the molding sand. ठीक है, समझ में आया कि नहीं. तो देखो ये लिखा है, when pattern is wrapped or shaked, जब आप pattern को हिलाते हैं in the mold के अंदर, before its withdrawal, उसको निकालने से पहले, जब आप पैटर्न को सेंड में से निकालने से पहले उसको थोड़ा सा शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होगा, द कैविटी इन द मोल्ड स्लाइटली इंक्रीजेस. तो जो मोल्ड जो बनता है या जो कैविटी बनती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है. ठीक है, एंड रिजल्ट्स इन अ एनलार्ज्ड फाइनल कास्टिंग. तो क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा कि जो कास्टिंग आपकी बनेगी वो बड़े साइज की बनेगी, लेकिन हमें मार्केट में तो एक्चुअल साइज बेचना है तो हमें मशीनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, मटेरियल ज्यादा रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इट इज डिजायरेबल दैट ओरिजिनल पैटर्न डायमेंशन शुड बी रिड्यूस्ड टू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल पैटर्न होता है उस ओरिजिनल पैटर्न की डायमेंशन को कम कर देते हैं इस इंक्रीज को कंपनसेट करने के लिए, टू कंपनसेट दिस स्लाइटली इंक्रीज इन द मोल्डिंग साइज और स्लाइटली इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैविटी, वी रिड्यूस द डायमेंशन ऑफ पैटर्न. ठीक है, दैट रिडक्शन इज कॉन्सिडर्ड एज शेकिंग अलाउंस. ओके, सो फॉर दिस अलाउंस, इतना आपको लिख देना है, दिस इज कॉल्ड द श्रिंकेज अलाउंस. ओके, सो दिस अलाउंस इज प्रोवाइडेड ओनली टू लार्ज कैस्टिंग
एंड नेग्लिजिबल इन स्मॉल एंड मीडियम साइज का। तो जब आपकी छोटी कास्टिंग होती है, ये आप ये दोनों जो ये वाली लाइन जो है ये वाली जो लाइंस है, ये तीसरी वाली भी छोड़ सकते हो और चौथी वाली लिख सकते हो, चौथी वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चौथी वाली लाइन आपको लिखनी है। ओके, तो पहला पॉइंट ये लिखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों डिजायरेबल है ओरिजिनल साइज पैटर्न की साइज को कम करना। और फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको बताना है दिस इज द ओनली निगेटिव अलाउंस वेयर द पैटर्न डायमेंशन आर स्लाइटली रिड्यूस्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जो विच टाइप ऑफ पैटर्न, विच पैटर्न अलाउंस इज नेगेटिव इन नेचर, कौन सा पैटर्न अलाउंस नेगेटिव नेचर का होता है। तो आपको याद रखना है शेकिंग और रैपिंग अलाउंस, ठीक है, शेकिंग और रैपिंग अलाउंस। अब नेगेटिव अलाउंस का मतलब ये होगा कि इसमें आप पैटर्न का साइज डिक्रीज करते हो, जबकि बाकी जितनी भी कास्टिंग होती है उन सारी कास्टिंग में हम पैटर्न के साइज को इंक्रीज करते हैं। ओके, आ गया समझ में भाई, क्यों इंक्रीज कर, इसमें क्यों डिक्रीज करते हैं साइज को, रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज व्हेन एवर वी आर रिमूविंग द पैटर्न फ्रॉम द सेंड द साइज ऑफ कास्टिंग इंक्रीजेज increases whenever we are shaking the pattern and removing it from the sand. That's why to compensate this increase in the size, we reduce the size of pattern, and this reduction in the size of pattern is considered as a shaking allowance. ठीक है, and it is the only allowance which is negative in nature. ये ही अकेला ऐसा allowance होता है जो कि negative nature का होता है, बाकी सारे allowance positive nature का होता है, ठीक है भाई। चलिए moving to the next and final type of allowance, that is distortion or camber allowance. ठीक है, distortion or camber allowance. चलिए ये distortion और camber allowance क्या होता है, देखो जब भी irregularities, irregular shape होती है, ठीक है, जैसे आपका V shape हो गया, U shape हो गया, I shape हो गया, तो उसमें आप क्या क्या देखते हैं कि कहीं कहीं जो metal साइज होता है, या बोल सकते हो मेटल की जो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी थिकनेस कहीं कहीं ज्यादा होती है और कहीं कहीं थिकनेस उसकी कम होती है। तो जहां थिकनेस कम होती है वो वाला साइज, वो वाली जो पोर्शन होता है वो बहुत जल्दी कूल हो जाएगा, और जो सेक्शन थोड़ा सा थिक होता है, मोटा सेक्शन होता है, वो काफी टाइम बाद कूल होगा। तो होगा क्या कि जो सेक्शन जल्दी से ठंडा हो जाएगा और जो सेक्शन लेट से ठंडा होगा, उन दोनों में क्या होगा, उनकी जो शेप होगी वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है उसकी थोड़ी सी जो शेप होगी वो गड़बड़ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाएगा। तो उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टॉर्जन अलाउंस देते हैं। ओके, अब ये डिस्टॉर्जन अलाउंस किस टाइप की शेप में दिया जाता है, जैसे आपके आई सेक्शन हो गए, वी सेक्शन हो गए, यू सेक्शन हो गए, अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि कुछ इस यू सेक्शन, वी सेक्शन, आई सेक्शन, ऐसे सेक्शन उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो इन दैट केस वी प्रोवाइड डिस्टॉर्जन अलाउंस और कैम्बर अलाउंस। ओके, अब ये जनरली अपोजिट डायरेक्शन में दिया जाता है, ठीक है, इसको इजीली मैं थोड़ा सा समझाने से पहले इसका डायग्राम मैं बता देता हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये तीन डायग्राम आपको दिख रहे हैं, विजिबल हैं कि नहीं, ये डायग्राम आपका पहला है, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, तीन डायग्राम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, हेलो, हाँ सर दिख रहे हैं सर। अब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, पहला जो फिगर आपको दिख रहा है, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, समझ में आया, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आपने क्या किया, आपने बिल्कुल ऐसी एक कैविटी बना ली, लेकिन जैसे ही आपने मोल्टन मेटल को पोर किया तो आप देखोगे यहां तो मेटल बहुत जल्दी से ठंडा हो गया ऊपर, लेकिन यहां जहां पर नोचेस बनी होती है, यहां पर जहां कॉर्नर्स हैं इसके, यहां पर मेटल को ठंडा होने में टाइम लगा, जिस वजह से आपकी जो कास्टिंग होगी वो ऐसी ना होकर के ऐसी बन जाएगी, मतलब आपके जो टॉप पोर्शंस हैं वो पीछे की ओर या बाहर की ओर निकल जाएंगे, ठीक है, वो जो पोर्शंस हैं वो बाहर की ओर एक्सटेंड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे थे कि आपको शेप तो ऐसी चाहिए थी लेकिन वो डिस्टॉर्ट होकर के थोड़ी सी ऐसी बन गई, है ना,
सोलिडिफाई होने के बाद ऐसी शेप बन गई। तो आप बताइए, अगर आपका प्रोडक्ट आप ऐसा चाहते थे, आप ऐसा प्रोडक्ट चाहते थे जबकि बना कैसा ऐसा, तो क्या दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू कैन सेल इन द मार्केट? क्या ये वाला प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? नहीं बेच पाओगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है, कुछ ऐसा अलाउंस देना है इसके अंदर, जिससे कि आपको फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब आपको एक चीज पता चल चुकी है कि भाई जैसे ही हम लोगों ने पैटर्न ऐसा पैटर्न बनाया, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है जैसा कि फिगर नंबर 2 में दिख रहा है आपको, इस वाले फिगर में दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्शन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, जितना जितना आपका मेटल या जितना आपका प्रोडक्ट बाहर की ओर एक्सटेंड हो गया है, डिस्टॉर्ट हो गया है, उतना ही हम पैटर्न आपका अंदर की ओर बना देंगे। जितना आपका प्रोडक्ट बाहर की ओर डिस्टॉर्ट हुआ है, तो हम अपना जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं बनाएंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट की तरह नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट कुछ जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसा कि फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। ओके, इस 3 में आप देख रहे हो कि इसमें लिखा है एक्चुअल पैटर्न विद डिस्टॉर्जन अलाउंस। डिस्टॉर्जन अलाउंस नहीं देंगे तो क्या होगा, आपकी जो अपर एजेस हैं, ऊपर वाली साइड्स हैं, वो बाहर की ओर जा रही हैं। लेकिन जैसे ही आपने डिस्टॉर्जन अलाउंस दिया, आपने क्या किया कि इन एजेस को वर्टिकल ना रख करके आपने अंदर की ओर टिल्ट कर दिया, अंदर की ओर टिल्ट कर दिया। तो होगा क्या कि जो साइज है आपका, पहले आपका जो पैटर्न जब साइज एक्चुअल साइज जब एकदम वर्टिकल वॉल्स थी इसके अंदर यहां पर, तो आपने क्या किया कि जितना ये बाहर की ओर एक्सटेंड हो रहा था आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, ठंडा होने के बाद आपका जो पैटर्न, जितनी अपर साइड्स बाहर की ओर डिस्टॉर्ट हो रही थी, आपने उतना ही साइज अंदर की ओर बना दिया इसके अंदर। ठीक है, आपने उतने ही ऊपर वाले जो एजेस होती हैं अंदर की ओर टिल्ट कर दी। ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप मोल्टन मेटल पोर करेंगे, तो जो अपर साइड जो आपने बाहर की ओर निकाल रखी है ठंडे होने के, सॉरी जो अंदर की ओर आपने मोड़ रखी है, जब ये ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद ये साइड से बाहर की ओर चली जाएंगी, है ना, बाहर की ओर चली जाएंगी। और आपने उतना ही अलाउंस दिया है जिससे कि जब ये ठंडा होगा मेटल आपका, तो ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो इस अलाउंस को हम बोलते हैं डिस्टॉर्जन अलाउंस, एंड डिस्टॉर्जन अलाउंस इज गिवन इन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच आर ऑफ इररेगुलर शेप। इररेगुलर मीन्स वेयर सम सेक्शन हैव मोर, सम सेक्शन आर मोर थिकर देन द अदर वन। ठीक है, कुछ सेक्शन वहां पे थिक होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर वन, दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड डिस्टॉर्जन अलाउंस। अब क्या लिखा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। तो आप देखोगे, दिस अलाउंस इज एप्लीकेबल टू कास्टिंग्स ऑफ इररेगुलर शेप। तो ये जो अलाउंस होता है वो उन कास्टिंग्स में दिया जाता है जिनकी शेप कैसी होती है, इररेगुलर, लाइक या वी कैन से इन विच द कॉन्ट्रेक्शन और सॉलिडिफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब जहां पर कॉन्ट्रेक्शन या सॉलिडिफिकेशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो इन दैट केस वी प्रोवाइड डिस्टॉर्जन अलाउंस, लाइक यू सेक्शन, वी सेक्शन, एक्सेट्रा। सो अगर मैंने आपसे बोला कि वट टाइप ऑफ अलाउंस विल बी गिवन टू इररेगुलर शेप कास्टिंग्स, इररेगुलर शेप की जो कास्टिंग होती है उस पर कौन सा अलाउंस दिया जाता है, तो यू कैन से सर वी प्रोवाइड डिस्टॉर्जन अलाउंस। ओके, चलिए फिर अगली लाइन में लिखा है, व्हेन सच कास्टिंग्स आर अलाउड टू कूल, जब इन कास्टिंग को हम ठंडा करने के लिए अलाउ करते हैं, दे आर डिस्टॉर्टेड और कैम्बर्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कॉन्ट्रेक्शन। तो क्या होता है कि जो कास्टिंग को जब हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है या कैम्बर हो जाती है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, अभी क्लियर आ रही है? हेलो, इज इट क्लियर नाउ? तो मैंने हाँ ये बोला कि जैसे ही आप इसको ठंडा करने की कोशिश करोगे, तो ठंडा होने के बाद क्या होती है, ये जो कास्टिंग होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है या मुड़ जाती है। ठीक है, कैम्बर्ड हो जाती है, क्यों? ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो, घर में मान लिया कि दो भाई बहन हैं, और मान लिया कि आपके पिताजी जो हैं, आपके फादर जो हैं, कोई मान लिया कि सेब लेके आते हैं मार्केट से, और हुआ क्या कि आपको आधा सेब दे दिया और आपके भाई को एक सेब दे दिया। ठीक है, जो भी आप हैं, तो एक पर्सन को आधा दिया और एक को एक दिया, तो क्या होगा?
यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रही कहीं? नहीं रही। फाइट, हाँ तो फाइट होगी, मतलब कॉन्ट्रेक्शन वो होने लगेगा, नॉन यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाएगी। तो कुछ बोलेंगे, कोई गुस्सा हो जाएगा, बोलेंगे मैं नहीं कर रहा, इस तरीके से, मतलब एक तरीके से नाराजगी जाहिर करते हैं। तो वही नाराजगी क्यों होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या करते हैं, द कास्टिंग आर डिस्टॉर्टेड। ठीक है, सो टू एलिमिनेट दिस डिस्टॉर्जन वी प्रोवाइड एन अलाउंस, और वी कैन से द शेप ऑफ पैटर्न शुड बी गिवन एन अलाउंस ऑफ इक्वल अमाउंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस अलाउंस इज कॉल्ड एज द डिस्टॉर्जन अलाउंस। ठीक है, तो होगा क्या कि जिस डायरेक्शन में आपका पैटर्न मुड़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक अलाउंस प्रोवाइड कर देते हैं, दैट विल कंपनसेट दिस लॉस और दैट विल कंपनसेट दिस कॉन्ट्रेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वी प्रोवाइड एन अलाउंस इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट अलाउंस इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड अलाउंस। ठीक है, तो टू एलिमिनेट दिस द शेप ऑफ पैटर्न शुड बी गिवन अलाउंस ऑफ इक्वल अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका पैटर्न देख रहे हो, एक्चुअल पैटर्न, जब आप अगर आप देखना चाहेंगे तो जब ये ठंडा हो रहा है तो इसकी एजेस बाहर की ओर जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई जब ये आपको पता है कि ठंडा होने के बाद इसकी एजेस बाहर की ओर जा रही हैं, तो उतना ही हम अपने पैटर्न को अंदर की ओर मोड़ देंगे, जिससे कि जब ये ठंडा होगा तो ये बाहर की ओर फैलेगा, इट विल स्प्रेड इन द आउटसाइड्स। तो जैसे ही बाहर की ओर फैलेगा उतना ही हमने इसको अंदर मोड़ दिया। ठीक है, सो दैट यू विल गेट द एक्चुअल प्रोडक्ट लाइक दिस। ओके, सो हेयर वी फिनिशेस पैटर्न अलाउंसेस। आपका पैटर्न अलाउंस यहां पर खत्म हो जाता है। अब ये देख लीजिए कि आपके सारे अलाउंस, ये भी आपका पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये अलाउंस देखिए, ये एक कंबाइंड डायग्राम मैंने बना दिया है कि कौन सा अलाउंस कहां दिया जाता है। तो अगर ये टी शेप आपका फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो टी शेप का है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये टी शेप का फाइनल प्रोडक्ट है। अंदर वाली एजेस आप देख रहे हो, ये मशीनिंग अलाउंस के लिए पैटर्न का डायमेंशन हमने बढ़ाया है। फिर दूसरा ये श्रिंकेज अलाउंस का बढ़ाया है। ये तीसरा ड्राफ्ट अलाउंस के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो दिस इज अ कंबाइंड फॉर्म दैट विल शोइंग कंबाइंड ऑल द टाइप्स ऑफ अलाउंस दैट आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल पैटर्न, फॉर श्रिंकेज, ड्राफ्ट एंड मशीनिंग अलाउंस। ये सिंपली है। ओके, इसके बाद जो अगला टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला, कलर कोडिंग, ये मैंने असाइनमेंट में दिया है। ठीक है, ये कलर कोडिंग आपको असाइनमेंट में करना है। इसके अलावा सेंड एडिटिव्स क्या होते हैं, सेंड एडिटिव्स ये इम्पॉर्टेंट है। तो सेंड एडिटिव्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर सेंड एडिटिव्स? देखो, जो सेंड एडिटिव्स होते हैं ये सेंड के अंदर हम ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन बाइंडिंग एक्शंस जो होते हैं उसको इम्प्रूव नहीं करते। बाइंडिंग एक्शंस मतलब ऐसा नहीं कि सेंड के अंदर आपने ऐड कर दिया तो ये सेंड को अच्छे से बाइंड अप करेंगे, अच्छे से चिपकाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्यों बनाया जाता है, क्यों उनको ऐड किया जाता है? कि इसलिए ऐड किया जाता है कि जो आपका पैटर्न है, जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपका अच्छी क्वालिटी का बने। सो टू इम्प्रूव दोज थिंग्स वी एड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंड एडिटिव्स। आपको नाम याद रखने कि क्यों इनको ऐड करते हैं और किस सेंड एडिटिव्स का फंक्शन क्या होता है, व्हाई डू वी ऐड दिस दी थिंग्स। ओके, तो ए मटेरियल व्हिच डू नॉट प्रमोट बाइंडिंग एक्शंस व्हेन एडेड टू द सैंड बाय फेसिंग द मोल्ड और बाय मिक्सिंग विद हीप सैंड फॉर इम्प्रूविंग सम स्पेशल फीचर्स इज कॉल्ड एज सेंड एडिटिव। तो सेंड एडिटिव्स क्या है, वो मटेरियल्स होते हैं जो बाइंडिंग एक्शंस को तो प्रिवेंट नहीं करते, लेकिन जो सेंड होती है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐड करते हैं, लाइक टू इम्प्रूव द सर्फेस फिनिश ऑफ द प्रोडक्ट यू आर मेकिंग। सर्फेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर पोरोसिटी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करने के लिए सेंड की, तो वी एड दीज थिंग्स, इसीलिए इनको एडिटिव्स बोला जाता है। एडिटिव्स का मतलब होता है वी आर एडिंग इन द सेंड। ओके, सो देर आर द नंबर ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल टू बी यूज एंड सेंड टू बी यूज एज सेंड एडिटिव्स इन द मार्केट, एंड सम कॉमनली यूज एडिटिव्स आर सीकोल, वुड फ्लोर एंड सिलिका फ्लोर। तो ये कुछ एडिटिव्स होते हैं, बहुत सारे कुछ मार्केट में अवेलेबल होते हैं सेंड एडिटिव्स, लेकिन जो हम जनरली यूज करते हैं वो सीकोल हो गया आपका, वुड फ्लोर हो गया, सिलिका फ्लोर हो गया, ये सारी चीजों को हम ज्यादातर यूज करते हैं। अब सीकोल जब हमने ऐड किया है तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा,
वुड फ्लोर ऐड कर रहे हैं सैंड के अंदर तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, और सिल्का फ्लोर ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ वी आर एडिंग लाइक सी कोल इन इन द मोल्डिंग सैंड इट विल इम्प्रूव विच प्रॉपर्टी, क्या चीज को ये इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो याद रखना है पहला, अगर आपने सैंड जो है उस सैंड के अंदर सी कोल को ऐड कर दिया, सी कोल को जब आप जैसे ही ऐड करेंगे सैंड के अंदर तो क्या होगा, तो सी कोल क्या है, इट इज अ फाइनली पल्वराइज्ड बिटुमिनस कोल। सी कोल क्या होता है, बिटुमिनस कोल होता है, आपको कोल की क्वालिटी पता है, पीट लिग्नेसाइट लिग्नाइट नॉट लिग्नेसाइट, एक होता है पीट, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है आंथ्रेसाइट। आंथ्रेसाइट जो कोल होता है वो हार्डेस्ट कोल होता है, और ये उससे लोअर कैटेगरी का आता है आपका बिटुमिनस कोल। तो पल्वराइज्ड का मतलब क्या होता है, पल्वराइज्ड का मतलब होता है कि उस कोल को पीस दिया जाता है, जो कोयला होता है बिटुमिनस कोल उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं पल्वराइज्ड कोल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको सैंड के अंदर इम्प्रूव ऐड करेंगे, इट विल इम्प्रूव द सरफेस फिनिश। जो प्रोडक्ट आपका बनता है कास्टिंग के थ्रू, मैंने आपसे बोला कि भाई उसकी सरफेस अच्छी नहीं बनती, लेकिन हाँ उसकी सरफेस को और स्मूथ करने के लिए हमें सैंड के अंदर सी कोल ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने सी कोल ऐड कर दिया, दैट इज बिटुमिनस कोल को पल्वराइज फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में ऐड किया, तो क्या होगा, इट विल इम्प्रूव द सरफेस फिनिश और क्लीनिंग ऑफ एड्स इन क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग एंड प्रिवेंट बर्निंग ऑफ द सैंड। तो जो सैंड होती है सैंड की बर्निंग को इम्प्रूव प्रिवेंट करता है, साथ के साथ जो सर्फेस फिनिश होती है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, और कास्टिंग की जो क्लीनिंग होती है वो भी इजिली हो जाती है। तो दिस इज दीज आर द बेसिक फीचर्स टू एड सी कोल इन केस ऑफ सीकोल। ठीक है, अगला होता है वुड फ्लोर। सीकोल का समझ में आ गया, जो आपकी सर्विस फिनिश से कास्टिंग की प्रोडक्ट की उसकी सर्विस फिनिश अच्छी मिलेगी, इसको ऐड करने का। अगला है वुड फ्लोर। तो वुड फ्लोर क्या है, इट इज अ फाइनली पल्वराइज्ड और ग्राउंडेड सॉफ्ट वुड। जो सॉफ्ट वुड होती है उसको जब आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या घिस करके यूज करते हो तो दैट इज कॉल्ड वुड फ्लोर। वुड फ्लोर एक तरीके से बोल सकते हो आटा जो होता है आपका, बहुत पाउडर फॉर्म में होता है। इट इम्प्रूव्स फिनिशिंग, फिनिशिंग बढ़ाता है, इम्प्रूव कर देता है। प्रिवेंट्स बर्निंग इन, बर्निंग जो होती है सैंड की उसको रिड्यूस करता है। एंड एड्स इन क्लीनिंग एंड इम्प्रूव्स कोलेप्सिबिलिटी। तो कोलेप्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट याद रखना है, टू इम्प्रूव द कोलेप्सिबिलिटी, मैंने बता दिया था कोलेप्सिबिलिटी क्या होती है, हमें वुड फ्लोर इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। कोलेप्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्लीनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और सर्फेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए आप वुड फ्लोर को ऐड करेंगे। और जो एक और आप देख रहे हो सिलिका, ठीक है, सिलिका फ्लोर। तो सिलिका फ्लोर क्या होता है, सिलिका आपको पता है कि जब आप नॉर्मल सैंड देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि कुछ छोटे छोटे थोड़े से लस्टरस मेटल्स अवेलेबल होता है, कुछ मेटल ऐसे सब अवेलेबल होते हैं जो चमकते हैं। नॉर्मल जो सैंड आप देखोगे उसमें देखते हो छोटे छोटे कुछ टुकड़े होते हैं जो चमकते हैं जैसे कि उस पर धूप पड़ती है ना, तो वो आपका सिलिका रहता है। तो सिलिका फ्लोर जो होता है, फाइनली ग्राउंड सिलिका सैंड ऑफ लेस देन 54 माइक्रोन, जिसका साइज 54 माइक्रोन से कम होता है। इट फिल्स इंटरस्टिसेस या जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं, एंड दस रिड्यूस मेटल पेनेट्रेशन। तो क्या होता है, मेटल पेनेट्रेशन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम इसमें सिलिका ऐड कर देते हैं, ग्राउंडेड सिलिका। ठीक है, आप लोगों को देखोगे उसमें ज्यादा वाइट अगर बन जाएंगे तो मेटल जो कैविटी में फिल हो रहा होगा वो छोटे छोटे वाइट्स में, छोटे छोटे वाइट की ओर भी चला जाएगा। तो उन छोटे छोटे वाइट्स को भी फिल करने के लिए हमें सिलिका फोर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दीज आर द सैंड एडिटिव्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इनकी रेमेडीज किस तरीके से इनको करेक्ट करते हैं, ये मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा डिटेल्ड में दिया हुआ है कि गैस डिफेक्ट होते हैं जिसको गैस पोरोसिटी डिफेक्ट बोलते हैं, किस तरीके से इनको करेक्ट करता है, इनकी वजह से होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। यू हैव टू सो दीज थिंग्स इन द असाइनमेंट में शो करना है आपको, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को। मेटलर्जिकल डिफेक्ट होते हैं, मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट होते हैं, इसके अलावा शिफ्ट और मोल्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, ये स्वेलिंग हो गए, स्वेल हो गया। इस बार जब SSC JEE का मेन्स एग्जाम हुआ उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन एनी सम कास्टिंग डिफेक्ट्स, ब्लो होल्स हो गए, ठीक है, ड्रॉप हो गया, दीज आर सर्टेन कास्टिंग डिफेक्ट्स, उतना क्लीन नहीं आया, श्रिंकेज कैविटी थोड़ी श्रिंक हो जाती है, मिसरन हो गया, ठीक है, स्लेज इंक्लूजन हो गए, हॉट टीयर्स हो गए, इंपॉर्टेंट है हॉट टीयर्स, हॉट स्पॉट हो गया, डर्ट हो गया, स्कैब हो गया, इसके अलावा
वार्पेज और वार्प्ड कोटिंग हो गया, फिन्स और फ्लैश हो गया, गैस होल्स हो गए, ड्रॉस हो गया, वॉश हो गया एंड रन आउट एंड बस्ट आउट हो गया, रेल टेल और वेन्स डिफेक्ट हो गए. तो दीज आर द सर्टेन कास्टिंग डिफेक्ट्स वी जनरली कंसिडर. स्कार हो गया, ब्लिस्टर हो गया, माउल्ड शिफ्ट हो गया, कोर शिफ्ट हो गए, तो ये कुछ सैंड डिफेक्ट्स होते हैं. इसके अलावा स्पेशल कास्टिंग जो हो गई ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है. ठीक है, अभी कास्टिंग के कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं कि मोल्ड क्या होता है, व्हाट इज मोल्ड, मोल्ड मेकिंग प्रोसीजर. तो एक दो टॉपिक और बाकी हैं कास्टिंग के, फिर आपका ये मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा, फिर हम अगले मॉड्यूल पे चलेंगे. इससे पहले आप एक बार रिवाइज कर लेना, मैं इसका एक क्विज टाइप का लेने वाला हूँ. ठीक है, आपको क्विज इसका देखना है. लास्ट ईयर जो क्वेश्चन इस कास्टिंग से पूछे गए हैं, समझ में आ रहा है, कास्टिंग से लास्ट ईयर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको लगना चाहिए कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं. ठीक है, आपको थोड़ा सा लगना चाहिए. ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को कि क्या आप उन क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं. अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो ठीक है, तो ये वाला सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं. ओके.